हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग आईएएस एकेडमी आज आपके सामने है। इस बीच आप लोगों ने कई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि सर मेमोरी की प्रॉब्लम है, याद तो कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं मेहनत से, लेकिन हम बहुत देर तक उसको रिसाइट नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, दोबारा हम उसको एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस में बहुत निगेटिव जो है वो प्रभाव आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी इस समस्या का समाधान मैं आपको देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। एक्चुअली हमको मेमोरी समझना पड़ेगा। जैसा पहले भी मैंने बताया था कि मेमोरी जो है वो एसोसिएशन और इमेजिनेशन, इन दोनों का जो है वो मिला जरूर रूप होता है। जो हमारा इमेजिनेशन का पार्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, राइट? बहुत पावरफुल, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो केवल और केवल पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ों को समझता है। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, मैंने कहा 7, राइट? क्या आया आपके दिमाग में? 7, 7 आ गया जो आपने देखा। अगर कोई हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़कर आया है संस्कृत में, तो उसको 7 दूसरी तरह से दिखाई पड़ेगा। अगर वो रोमन में आया है तो उसको 7 दूसरी तरह से दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पिक्चर्स की फॉर्म में इन चीजों को समझते हैं, यानी हमारा इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा, हम इमेजिनेशन प्रैक्टिसेस जितनी अच्छी करेंगे, जो हमारा ब्रेन का कॉर्टेक्स हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको जो है वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक का तमगा मिला हुआ, सबसे बड़े भौतिक वैज्ञानिक, और इनके दिमाग की सबसे खास बात यह थी कि ये जटिल से जटिल जो इनकी अवधारणाएं हैं, जो इनके जो इन्होंने थ्योरीज निकाली, वो इन्होंने अपनी इमेजिनेशन में निकाली। मानव इतिहास आज, मानव का पूरा जो है क्लान, वो इसको आज भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और इनकी इसी उपलब्धियों के कारण इनके दिमाग को जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया ताकि इसकी खोज हो सके कि इनके दिमाग में इतनी इमेजिनेशन आती कहाँ से थी। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही है कि कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब है इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल दैन नॉलेज। तो दोस्तों, इमेजिनेशन का होना हमारी स्मार्ट स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। करेंगे कैसे हम लोग इमेजिनेशन, हम कैसे प्रैक्टिसेस को इन्हेंस करके लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं कई स्टूडेंट से मिल चुका हूँ जिनकी इमेजिनेशन जो पावर होती है, तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है या ग्रे होती है, या वो चीज़ों को एज इट इज जो है एनालाइज करके उसको इमेजिन नहीं कर पाते। इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। वो चीज़ों को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं, बट उसको वो रिकॉल नहीं कर पाते। यानी रिकॉलिंग के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पिक्चर के रूप में अपने दिमाग में भेजनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग अपने ब्रेन कॉर्टेक्स को जो है वो स्टिमुलेट कर पाएंगे, उसको जो है हम उद्दीपित कर पाएंगे। एक छोटा सा जो है हम एक्सरसाइज लेते हैं। करना क्या है आपको, एक पेन लीजिए, ठीक है, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, जो भी आपके पास पेन है उसको लीजिए और बहुत ध्यान से उसको एनालाइज करके देखिए, ऊपर नीचे उसको घुमाकर भी देखिए, उसका कलर क्या है, उसके ऊपर पिक्चर कैसी बनी हुई है, उसके ऊपर प्रिंटिंग क्या है, उसका टिप कैसा है, वो किस प्रकार का फाउंटेन पेन है, बॉल पेन है। बहुत ध्यान से इसको इमेजिन करिए, उसमें कैप लगा हुआ है या वो रिटैक्ट है, जैसा भी है, इसको अपने जो है वो आंखों से इसको देखिए, एनालाइज करिए, इसको घुमाइए, और इसको देखने के बाद लगभग 90 सेकेंड तक इसको आप गौर से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और अपने मन की आंख से इस पेन को बहुत ध्यान से देखना है। इसका कलर क्या है, ऑफकोर्स इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ये किस प्रकार का, इसमें कौन सा हिस्सा रबर का बना है, कौन सा प्लास्टिक का है, इसकी टिप कैसी है, ये कैसा दिखता है, इसके ऊपर प्रिंटिंग क्या है, उस पर वर्ड्स कौन से यूज़ किए गए हैं, ये सब कुछ जो है वो आप बहुत बारीकी से ऐसा स्कैन करते हुए 3D के रूप में इसको देखेंगे, जैसे आपके दिमाग में ये घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट? बहुत बारीकी से। अगर आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम इमेजिन कर ले जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो ब्रेन है वो इमेजेस को रिसेप्ट कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी किसी भी चीज पर फोकस करने की क्षमता जो है वो काफी कम है, राइट? अब आपको करना क्या है, इसको इमेजिनेशन करने के बाद, इसको समझने के बाद, आपको महसूस करना है कि आपने उसको अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। यानी अब आपको अपनी मन की आंखों में जाकर इसको अपने हाथों से पकड़ते हुए देखना है और अपने हाथों के ऊपर उस प्रेशर को महसूस करना है। यानी अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, आपकी जो लर्निंग, आपकी जो स्टिमुलस सिस्टम है, उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हो, और उस ज्ञानेंद्रियों को इन्वॉल्व करने के बाद आप महसूस कर रहे हो आपके हाथों पर प्रेशर पड़ा या आपने पेन पकड़ के रखा, जबकि आपके हाथ बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे।
फिर आप देखोगे उसको आप जो है लिख रहे हो, इंक हो गया, उसकी गंध कैसी आ रही है, इंक की स्मेल कैसी आ रही है, आप उस इंक की स्मेल को महसूस करोगे। होगा क्या, आप अपनी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हो, और ऐसा करके आप अपनी जो इमेजिनेशन यानी जो आपकी मेमोरी रिसेप्शन है उसको आप बढ़ाते चले जा रहे हो, राइट। और ऐसा बढ़ाकर आप अपनी जो ब्रेन की क्षमता यानी चीजों को ग्रहण करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना शुरू कर दोगे, राइट। तो ये आपका बेसिक जो है वो प्रैक्टिस रही। इस बेसिक प्रैक्टिस को करके आप जो है वो काफी अच्छा कर सकते हो, इसको और इन्हेंस करेंगे। इसके बाद आप कुछ जैसे कि 3D पिक्चर्स को आप इन्वॉल्व करोगे। जैसे आपने कई बार कुत्ते और बिल्ली को देखा होगा, कुत्ते और बिल्ली को कई बार हम लोगों ने देखा, लेकिन अब आप अपने मन की आंखों में से दौड़ते हुए देखोगे कि वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं। कुत्ता या बिल्ली जो भी दौड़ रहा है, अब उसकी मसल्स को देखोगे, किस प्रकार दौड़ते समय उसका कौन सी मसल्स काम कर रही है, उसके पंजे जमीन पे कैसे पड़ रहे हैं, उसकी पूंछ की जो है डायरेक्शन वो कैसी है, उसका जो है नाक, उसकी आंख, उसकी स्किन किस तरह दिखाई पड़े। आप अपने मन की आंखों से आंखें बंद करके उसको स्कैन करना शुरू करोगे, राइट। मूवमेंट करते समय उसकी मसल्स कैसे फ्लेक्स कर रही है, ये सारी चीजें आप जो है वो ध्यान से देखोगे। और यहां मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने ये प्रैक्टिस कराई है उसमें से 70-80% ऐसे थे स्टूडेंट जिन्होंने इतनी बार इस जानवर को देखा है लेकिन वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे थे। ये बता रहा है कि जो हमारा मेमोरी सिस्टम है वो काफ़ी वीक है, जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन की जो तरीका है, जो मेथड्स हैं, वो काफ़ी वीक है। तो ऐसा करके आप एनालाइज करोगे। अब इसको आप क्या करोगे, 3D रोटेट कराओगे। अभी कुत्ता इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसको आप रोटेट कराओगे, आपके सामने दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसको अपनी मन की आंखों में रोटेट होते हुए देखोगे और कोशिश करोगे कि कलर पिक्चर्स में उसको हम देख सकें। जितना बारीकी से उसको देखोगे आप देखोगे आप धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हो, आपका ध्यान जो है उसके अंदर आता जा रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके साथ। लेकिन ये स्ट्रगल जितना ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे आप ईज करते जा रहे हो, आप कलर में देख रहे हो, आपकी मेमोरी, आपको शायद पता नहीं चल रहा है लेकिन आपकी मेमोरी इन्हेंस कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, आप ज्यादा से ज्यादा पिक्चर को ग्रहण करने लायक बन रहे हो। और ऐसा करके एक दिन वो भी आएगा जब आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होती है फोटोग्राफिक मेमोरी? चलिए, कहानियां सुना होगा आपने कि विवेकानंद एक बार जिस किताब को पलट लेते थे वो उन्हें हूबहू याद हो जाती थी, या महान वैज्ञानिक टेस्ला के बारे में सुना होगा। टेस्ला को जो मशीनें डिजाइन करनी होती थी उस मशीन की बारीक से बारीक पेज की भी डिजाइन पहले वो उनके दिमाग में हो जाती थी, पहले वो अपने दिमाग में डिजाइन करते थे, उसके बाद हूबहू वही मशीन जो है वो बनकर तैयार होती थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी मेमोरी को, अगर अपनी इमेजिनेशन को एक्सपेंड करें तो हमारी मेमोरी भी फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट हो सकती है। फायदा क्या होगा? सपोज दैट आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, यू स्टार्टेड अ पेज टॉपिक, कुछ भी आपने जो है टॉपिक शुरू किया। कई बार स्टूडेंट क्या होता है वो रेस लगा रहा होता है, अरे हमें 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज पढ़ने जाना। ये सबसे गलत मेथड है पढ़ने का। आपने मान लीजिए पूरा पेज पढ़ा या पूरा टॉपिक पढ़ा, अब आपको क्या करना है, आंख बंद, राइट, और उस पर्टिकुलर पेज को अपने मन की आंखों से स्कैन करते जाना है। स्कैनर स्कैन करता है वैसे उसको स्कैन करना, देखना है उसमें कितने कैरेक्टर्स, कितने पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं, जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं वो कितने ज़्यादा याद रहे। अगर आपको 70% से ज़्यादा पेपर याद हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इमेजिनेशन जो है वो अप टू द मार्क है। लेकिन अगर आपने शुरुआत की 4 लाइनें तो याद आ रही हैं लेकिन धीरे 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 जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो ब्लर होता जा रहा है, धूमिल होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, इसका मतलब है कि आप पढ़ तो रहे थे, पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे लेकिन आप जो है अपने दिमाग में उन इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे, उनसे मुलाकात की है, जो बड़े खुश रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और वो बुक्स को एक दो बार पलटते हैं और उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनको याद हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, गांधी का आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं कि हाँ मैं गांधी के साथ खड़ा हूँ, मुझे मेरी आंखों के सामने चल रहा है अकबर क्या कर रहा है या गांधी ने क्या किया या पटेल क्या कर रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि आंदोलन उसके सामने चल रहा है और अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। और जितना ज़्यादा वो अपने आप को मन की आंखों से उसको इन्वॉल्व कर देता है, कहानी बना लेता है, उतना ही जल्दी उसको जो है एग्जाम में रिकॉल आता है। कुल मिलाकर आपको सारा खेल तो एग्जाम में खेलना है, आपने कितना बार पढ़ा है, कितनी अंडरलाइन की, अगर एग्जाम में वो ब्लर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो आपकी सारी मेहनत जो है वो अंत में जाकर खराब हो जाएगी। हम जनरली क्या होता है क्लासेस में, कोचिंग में जाते हैं तो टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ा देता है कि हाँ भाई ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, वो लेक्चर दे देता है,
लेकिन आपका दिमाग उसको रिसेप्ट कर रहा है, उसको जो है ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम ओजांका आईएएस एकेडमी में हम इस बात की कोशिश करते हैं कि आपके सब्जेक्ट के पूरे होने के साथ साथ आपका दिमाग जो है वो कंडीशन हो ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर सके। उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है और अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 से 2 महीने के बाद आप बहुत ईजिली चीज़ों को तेज़ी से ग्रहण करना शुरू कर देंगे। आप जो है वो तेज़ी से न्यूज़पेपर से गुजरेंगे, आप इन्फॉर्मेशन से गुजरेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा आपके दिमाग के अंदर होगा। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है वो अपने सपनों को पा सके, सफल हो सके, और जो असफलता बार बार उसका दरवाज़ा खटखटा रही है, उसको कोशिश जो है रोक रही है अंदर जाने से, वो ये दरवाज़ा जो है उसके लिए खुल जाए। लेकिन उसके तरीके जो होंगे वो अलग होंगे। हम कहते तो हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हम कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, लेकिन कह देने भर से नहीं होता। ये स्किल्स हैं और यहाँ हमें करके सीखना पड़ता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उस दिक्कत को हटाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है, और जो मेथड्स हैं मेरे वो डेफिनेटली आपको सफलता के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, बशर्ते आप इन प्रैक्टिसेस को पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अगर ये करने की कोशिश करते हो। इसी तरह आप और भी उटपटांग जो है इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे आप गांधी को अपने सामने देखो कि गांधी अगर आपके सामने हैं तो आप उनसे कैसे वार्तालाप करोगे, या हिटलर को देखो, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखो कि आप उस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो और आप उसका एक हिस्सा, और कैसी वहां सिचुएशन चल रही, कैसे गोले बारूद हैं, कैसा जो है वहां पर सिचुएशन हो रही है, और आंखें बंद करके आप अपनी जो है वो टारगेट इमेजिनेशन करो। बट एक बार ध्यान रखना, यहां एक जो है वो एक सावधानी रखनी है। इमेजिनेशन प्रोग्राम्ड होती है आप जो चाहते हो, और यहीं पर एक होता है आंखें बंद करके आराम से जो है वो दिवा सपनों में खो जाना, आहा आई एम फीलिंग लाइक आईएएस ऑफिसर, अब मजे से भैया गाड़ी में घूम रहे हैं, ये एक दूसरी चीज होती है सपने देखना। इमेजिनेशन टारगेट होता है, मूविंग होता है, 3D होता है, ठीक है, आप उसमें जटिलता लेकर आते हो, आप बड़े ध्यान से उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, कि गांधी के कपड़े कैसे हैं, उस समय का पीछे का सीन कैसा है, आप अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो और आपका दिमाग उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है ताकि आप अपने जो मसल्स हैं ब्रेन की उनको चैलेंज करना शुरू करते हो, राइट। आप वहां पर खड़े होकर महसूस करते हो कि ज्ञानेंद्रियां हमारी कैसे काम कर रही हैं, और दिवा सपनों में तो बस आप बहे चले जाते हो। तो आप अवॉइड करना कि आप दिवा सपनों के साथ ना जाओ, आप एक प्लांड इमेजिनेशन पे जाओ, 3D इमेजिनेशन करो। और इस इमेजिनेशन को, और एक वीडियो में जो मैंने आपको एसोसिएशन बताया यानी पेग सिस्टम, उसको आप इससे पहले के वीडियो यानी थॉट मैपिंग के साथ जोड़ दो, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर हम पिक्चर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस को, राइट, जो आपने हमें थॉट मैपिंग बताया। लेकिन इसलिए नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग अभी भी वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट करने की हालत में नहीं है, वो ये मैथड जानता नहीं है। तो इस मैथड से जब आप इन तीनों को, यानी कि थॉट मैपिंग, नोट मेकिंग टेक्निक, और जो मैंने आप लोगों को बताया दैट इज अबाउट द पेग सिस्टम, और जो मैंने अभी इमेजिनेशन के बारे में बताया, जब इन तीनों को मिला दोगे तो डेफिनेटली आपका जो नोट्स होगा, जो आपके पढ़ने का तरीका होगा, वो हमेशा के लिए बदल जाएगा और सफलता आपके जो है वो कदम चूपेंगी। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सफल हों और अपने सपनों को पा सकें, यही हमारी कोशिश है दोस्तों। इसी तरह के और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, आपसे मिलूंगा। इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अगर ये मैसेज पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक उम्मीद की किरणें नहीं पहुँच रही हैं। अपने अंदर विश्वास रखिए, इन प्रैक्टिसेस को करिए, ये कोई जादू नहीं है कि सुन लेंगे और आप एक महान, एक सुपर स्टूडेंट में कन्वर्ट हो पाएंगे। जो भी आगे बढ़ते हैं वो मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो प्रैक्टिसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों हम भी जो है आगे जाएंगे। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि अगर इन प्रैक्टिसेस को आप लेकर आएंगे, स्मार्ट मेथड्स को लेकर आएंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं अपने हर स्टूडेंट को सफल होते हुए देखना चाहता हूं जिंदगी के किसी भी हिस्से में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका गाइड ओजांग आपसे विदा लेता है। थैंक यू।